गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के काम शुरू हो गए और आदू भी मेरे साथ मदद कर रहा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो आदू भी लग गया आज, जल्दी उठ गया। तो आदू ने बोला कि मम्मी के साथ हेल्प कर दे दो, तो वो झाड़ू लगा रहा है या पता नहीं झाड़ू तोड़ रहा है, वो वही जाने। और अंदर बैठ के मैंने भिंडी भी काट ली है, तो आज नाश्ते में बनेगी भिंडी। और वहाँ हो रहा है दूध गर्म। और उठते ही सबसे पहले मैंने चाय पी, चाय से थोड़ी सी नींद खुल जाती है। और कमरों में मैंने अभी झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, अभी दो कमरे रहते हैं उनमें अभी करूंगी। तो जब तक मैं चढ़ा लेती हूँ सब्जी। और सुबह सुबह आदू के लिए गिफ्ट भी आया है, अभी मैंने उसे दिया नहीं है तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि मेरे से खुद ही नहीं रहा जा रहा है। तो अमित ने मंगवाया था, आदू पापा ने कुछ मंगाया, वो सुबह सुबह आ गया था आदू का गिफ्ट। पापा ने आपके लिए गिफ्ट मंगाया है चाउमीन। चाउमीन थोड़ी मंगाई है, ये आया है आयुष के लिए। बोलो थैंक यू पापा, थैंक यू। पहले बोलो पापा थैंक यू, मम्मी नहीं पापा थैंक यू, पापा थैंक यू। ये लो पापा ने मंगाया, पापा बताएंगे इसे कैसे करना है। जाओ सुबह सुबह ना आयुष की क्लास स्टार्ट कर दिया अमित ने। उसको मिटाना ही बताओ ना, ये रेस कैसे करना है। मैंने ना उसे सिखाने के स्टैंडिंग लाइन बनाओ आयुष। हाँ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। हाँ तो बन गया है भिंडी, और अपने लाइयो एक रोटी और आदू के लिए परांठा। तो करते हैं हम नाश्ता। तो अपने लेना एक रोटी लाई हूँ, नाश्ता करने का या खाना खाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी हो रही है ना सच में। पर्सनली भी पूछा है ना, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने घर में रहो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है सीरियसली। और बस अभी नाश्ता करेंगे, मन तो नहीं कर रहा लेकिन फिर भी है कि करना है, बनाया है तो इसको कराती हूँ और खुद भी करती हूँ। फिर इसके टब में ना खेलता रहेगा थोड़ी देर, और तब तक मैं लगा लूँगी पोछा। तो चलो करते हैं पहले नाश्ता करके। मैंने किचन का काम तो कर दिया है, किचन साफ कर दिया, और इसके लिए जो मैंने पराठा बनाया था ना इसने खाया ही नहीं। तू नहीं खाया आपने हैं? तो इसने बिल्कुल भी नहीं खाया, तो मैंने इसको ना एक केला खिला दिया, वो भी ज़बरदस्ती करके। मन ही नहीं कर रहा, मन किसी का भी नहीं कर रहा इस टाइम खाने का, बस ये ज़बरदस्ती का खाना बन रहा है और ज़बरदस्ती का खा रहे हैं। तो अब ये चला जाएगा नहाने। मैंने अमित को बोल दिया आज तुमने ला दो। अभी जस्ट ना कर आई हूँ, और आदू के लिए ना अब जूस बना रही हूँ, क्योंकि उसने ना कुछ आज ढंग से खाया नहीं, तो उसके लिए मौसमी का जूस निकाल देती हूँ। और अभी वो देख रहा है कार्टून। आप एक्टिव नहीं लग रहे बेटा, क्या हो गया? तभी ठीक है, जूस पिएगा है? आज एक्टिव नहीं लग रहा आदू। चलो जूस बनाते हैं, जूसर लेकर आओ अपना, जाओ जूसर लेकर आओ बाबू। आजकल तो बस ये है कि खाना कम खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, अपने आप को हाइड्रेट रखो बस। आदू ने जूस भी नहीं पिया ठीक से, खाना भी नहीं खाया ढंग से, पता नहीं उसको कल का चिकन शायद पचा नहीं क्या हुआ है ना। 2 बज गए और मैंने देखो 2 बजे तक खाना सब तैयार कर दिया है। अमित को बोल रही हूँ खाना खा लो, और आयुष को भी बोल रही हूँ, सब पता नहीं कहाँ गायब हो रखे हैं। अमित बोल रहे थे मैं ना चार्ज लगाने वाला हूँ, और ये क्या कर रहा है? ये अपना टैब को संभाल के रख रहा है, क्यों रख रहे हो? गई पढ़ाई ऑफ कर दिया? ऑफ तो कर दो आयुष, पीछे से शायद ऑफ होता है, देखो
बिच्छू। सो जाओ आप, मम्मी तो कपड़े समेट लेती है। नहीं सोना, क्यों नहीं सोना? फिर आप पता है 4-5 बजे के करीब आपकी नींद वैसी होती है। फिर आज मैं बना रही हूँ भेल पूरी, और मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, चाट मसाला, नींबू सब इसमें डाल दिया है। चटनी नहीं है तो मैं यूज़ करूँगी केचप का। और यहाँ बन रही है चाय, तो जैसी चाय थोड़ी बनने को हो जाएगी ना, तब मैं इसमें डाल दूँगी भेल। और पापड़ी भी पड़ी हुई है और सेब भी। तो ये तैयार हो गई है भेल पूरी, और मैंने तो इसी में खाना है, जिसमें बनाया उसी में खाती हूँ। बर्तन क्या करने, तो मैं अमित को दे देती हूँ। ये लो भेल पूड़ी खाओ, शाम का स्नैक्स। और खा के बताओ कैसा है। बढ़िया है। कैसा है? सही है। नमक वमक खट्टा मैंने ज़्यादा भी नहीं करा। अभी चाय तुम ये खाओ जब तक चाय बन रही है। और तुमने आदू को नहीं उठाया? 6 बजे पढ़ाना है मैंने उसे, 2 दिन की छुट्टी सैटरडे संडे के बाद, आज तो पड़ेगा थोड़ा सा। चलो फिर मैं भी, चाय भी हमारी हो गई है, 100% बन चुकी है, और मैं तो इसी में खा लूंगी। क्या हो गया, हमने तो खाना है। फॉर्मेलिटी नहीं करते हम, इसी बर्तन में खा लेंगे, बर्तन के झूठे करने। तो बस ये खाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद आदू को उठाने में लग जाती हूँ। आयुष, अरे आप क्या कर रहे हो? आप कब उठे? पापा तो बोल रहे हैं आप उठ नहीं रहे, मैंने उठाया तो आप तिल मिला गए। पढ़ाई के नाम पे ये उठा लिया? अभी पहले आप चलो बिस्किट और चाय खाएंगे, चाय खाएंगे। आ जाओ, पहले बिस्किट और चाय पियेंगे, आ जाओ फिर पढ़ाई करेंगे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। काम खोलना। पुदीना तो सुखा दिया तुमने, इसे यहाँ मत रखो, शेड के नीचे रखो। इस टाइम पे सारे पौधे ना पीले हो जाते हैं, कितना भी पानी दे दो ना, जब तक बरसात नहीं होगी ना। छोड़ दिया उसने केला। अच्छा महंगी साइकिल नहीं लाए, और तुम कह भी रहे थे कि वो 4-4.5 हज़ार वाली साइकिल के लिए। अच्छा हो ना नहीं ली हमने, ऐसी होता वो एक कोने में पड़ी हुई। साइकिल चला ले ओ हीरो, नहीं तो पढ़ाई कर ले चल। आज तो पापा ने पढ़ाई से बचा दिया तुझे। पापा ने बोला साइकिल चलाने चल, और बस अमित ने हमें छत में तो बुला दिया, लेकिन मौसम तो ऐसा लग रहा है आग उबल रही है, बिल्कुल एक पत्ता नहीं हिल रहा सच में। और वहाँ आदू लगा हुआ है अपने काम पे। लगे रहो। कभी नहीं डालना पानी जो अभी तू लगा हुआ है। तेरे को बोल रही ना मैं साइकिल चला ले, चलो इसको छोड़ दे। वो करता ही है वो डबल ट्रिपल। ये देखो मदद कर रहा है तो तुम्हारी वो। ये देखो अरे क्या कुनोनु छे दी तन लगनू भलू। देखो पानी डाल रहा है वो, एक तो तुम्हारी हेल्प कर रहा है ऊपर आके। अरे इधर आ जा, तेरे ऊपर आ जाएगी छपड़ा। देखो तो डर नहीं लगता? मुझे तो लगता है, जा रहा है बड़े चौड़े होके। अमित चले गए अपनी वॉक पे, और मैं अब करूँगी डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज बनाऊँगी घिया। अमित को मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, घिया या तोरी, तो घिया बनेगा, तोरी तो मैं खाती नहीं हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। मिलते हैं कल न्यू नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। कर दो बाय, कर दो गुड नाइट। और आयुष यहाँ पे अपना लाइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? तो तब तक के लिए बाय।